नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो ये तकरार है वो देखने को मिलेगा। और आपको हम बताते चले, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव के सामने तमाम चुनौतियां हैं जो उभर कर आ रही है। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार अखिलेश यादव कैसे उन तमाम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। मैं एक एक करके आपको तमाम चुनौतियों के बारे में बताती चलती हूँ। सबसे पहली चुनौती भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बड़ी चुनौती कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ रखना है, और तीसरी और सबसे अहम चुनौती ये कि कैसे यादव कुनबे को एक साथ रखना है। इसी तरीके से तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से चाचा शिवपाल लगातार बगावती संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश उर्फ निरुआ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया, यादवों को लेकर बयान दिया, वो सुर्खियों में है। क्या बयान है आपको बताती हूँ। निरुआ की तरफ से कहा गया कि देश के यादव एक तरफ और अखिलेश यादव के यादव एक तरफ। उनके इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश के यादव समाज के जितने भी लोग हैं उन सब में अब गुस्सा है, और उनका जो गुस्सा है वो अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से निरुआ के पुतले जलाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां पर जनता में आक्रोश है, यादव समाज में आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जिस तरीके से कोई भी बयान देते हैं तो उनका तुरंत प्रभाव से वो जवाब भी देते हैं। लेकिन राजा भैया की अगर मैं बात करती चलूं तो राजा भैया पर भी अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया के सामने कहा था कि यह बयान जो दिया गया है निरुआ की तरफ से यह आपत्तिजनक है। लेकिन आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी और राजा भैया की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे निरुआ को लेकर, क्योंकि उन्होंने यादव समाज को यहां पर भड़का दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।